का बकवास और ये भाई दोनों शुरू हो गए थे तो मैं भी पता नहीं साउंड आया है कि नहीं। पिंडे पिंडे खाओ, सेहत बनाओ पिंडे। गाइस मेरी मम्मी से ज्यादा टेस्टी पिंडी कोई नहीं बना सकता, आई बेट यू। ओके, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। और अभी सुबह के 6:00 हो रहा है और आज यार सच बता रहा हूँ, लोग बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी उठे हुए हैं, क्योंकि यार आप लोग सोच सकते हो कि मैं 10:00 या 8:00 से पहले तो उठता नहीं था, और आज इतना जल्दी मैं ही नहीं भाई भी उठा हुआ है, तभी वो फ्रेश होने के लिए गया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि आज दोनों हम लोग मतलब इतना जल्दी क्यों उठे हैं, तो कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो बहुत दिनों से मैं वीडियोस में अपने बोल रहा था कि हम लोग रनिंग के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जाएंगे, रनिंग के लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं थे। लेकिन फाइनली आज यानी कि मंडे है, आज मंडे है तो आज हम लोग उठ ही गए हैं, तो आज रनिंग हम लोग जाएंगे। तो चलिए पहले तो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट फ्रेश फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोएंगे, और पहले ये सब काम करने से पहले हम लोग अपना फैट लॉस जूस पियेंगे। यार तो आपको पता होगा, जिस लोग को पता है नहीं है फैट लॉस जूस क्या है, तो मैं बता दूँ ये देसी है, मतलब जुगाड़ है एक तरह का, कि इसमें हम लोग हनी मिलाए हुए हैं, प्लस हनी लेमन लेमन जूस एंड हॉट वाटर, इन तीनों को मिक्स करके हम लोग ने बनाया हुआ है। तो ये फैट लॉस के लिए और गले के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अगर आप भी चाहते हो फैट लॉस करना स्पेशली, तो आप सुबह सुबह खाली पेट आप ले सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। तो चलिए हम भी इसे फटाफट पीते हैं और फ्रेश फ्रेश होके फटाफट रनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं रनिंग के लिए, मैं और मेरा भाई साथ में, आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा रनिंग, तो स्टाइल बस शूज पहना हुआ है, बाकी सेम वही है, पुराक कहते हैं ना, मतलब कपड़े जो है वही है, बाकी बस एक शूज पहन लिया कपड़े, तो कुत्तों की तरह ही है। सही बात है। तो चलिए आज लेट नहीं यार, इधर देखा जाए तो बैंगलोर में रनिंग इसी टाइम पर लोग करते हैं, तो हम लोग भी इसी टाइम पर निकले हुए हैं। सुबह सुबह पार्क खुला नहीं रहता और हम लोग उतना स्पीड रनिंग करना नहीं चाहते, नॉर्मली जो स्पीड कम हो, चर्बी घटे, उसके लिए कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं रनिंग के लिए, पार्क साइड ही जाएंगे जहाँ कल शाम को जाते थे, आज सुबह सुबह जा रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बैंगलोर। चलो मैं अपने आरजे निशान के साथ 99.9 बस बस। तो ये रहा पहला गाना, हो गया। तो चलिए अब पहुँचते हैं पार्क और रनिंग अपना ख़त्म करते हैं। पार्क नज़ारा आप लोग देख सकते हो, तो पूरा भीड़ से भरा हुआ है, और एक सेकंड चलिए बैठते हैं पहले थोड़ी देर, और ये रहा पूरा पार्क का नज़ारा आपको दिखा दूँ। तो मॉर्निंग में मैं अच्छे से आप लोग को दिखा नहीं पाता, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनी एरिया यहाँ पे एक्जैक्टली देखा जाए तो, और बाकी आप चारों साइड से देख सकते हो। तो चलिए ये सब बाद में देखते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा रनिंग कंप्लीट हो चुका है, और सच बात हालत बहुत पंचर है, बाकी अब एक्सरसाइज की बारी है। तो चलिए एक्सरसाइज ग्राउंड तो आपको पता ही है, चलिए वहाँ पर अब एक्सरसाइज करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं हम भी आज। आप लोग देख सकते हो इसका मतलब मन जो है रनिंग के बाद उल्टी जैसा करने लगा है, तो बेचारे की तबीयत का तो पूछो मत, हालत ख़राब है। और उसका क्या होगा देखो, कब से इसको मतलब फीलिंग हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रनिंग होता है तो ऐसा हो जाता है मन। बाकी आप लोग देख सकते हो उल्टी करने का मन है, लेकिन होता नहीं है एग्जैक्टली। मैं आपको बता दूँ कि रनिंग करने और बहुत से एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा हालत हो जाता है, तो यही कारण है इसका तबीयत बिगड़ने का। बाकी हमारा भी सारा वर्कआउट और रनिंग हो चुका है कम्प्लीट, और अभी थोड़ा देर रेस्ट हम लोग कर रहे हैं, बाकी उसके बाद हम लोग भी अब घर निकलेंगे। और सच बता रहा आज हालत मेरा भी पंचर है, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं पहले से हैबिट है तो इसलिए आदत सही है। तो चलो देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है नेक्स्ट प्लान। बाकी आज सुबह का फर्स्ट दिन हमारे स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब से रनिंग शुरू है। अब देखते हैं कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है, तो मेन फैट कम करने के लिए है। तो जैसे ही हम लोग मतलब मेंटेन हो जाएगा बॉडी, उसके बाद मे भी रनिंग छोड़ देंगे, क्योंकि जिम हमारा चालू रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको एक बार पार्क का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। गिरते फिरते फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और सच बता रहे हैं आज पहला दिन था रनिंग का, और हालत का तो पूछो मत यार, बिल्कुल बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। अब ऐसा मतलब सोच सकते हो कि इतने दिनों बाद रनिंग करने पे हालत क्या होता है। मेरा तो फिर भी यार थोड़ा मोड़ा सही था, भाई का हालत आप सोच भी नहीं सकते कैसा हुआ। उनसे थोड़ा राय आपको दिलवाते हैं कि आज रनिंग के बाद क्या हालत हुआ था। तो चलिए ऐसा हालत रहा जी, थोड़ा थोड़ा जोर से, बहुत बुरा हाल था आज। अच्छा उल्टी जैसा मन कर रहा था, उल्टी हो रहा था कि नहीं? नहीं नहीं ना, कहिए रहे थे।
तो अभी तो घर पे आ चुके हैं, तो अब क्या नेक्स्ट प्लान है? मजा आया कल से और मजा आएगा। हाँ, सुन चुकी हो कि आज थोड़ा मजा आया लेकिन कल से और मजा आएगा, तो सच है यार। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रनिंग हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, वैसे वैसे जो थकान है हर चीज़ कम हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था एक्सरसाइज करने वक्त, थोड़ा साउंड कम करना, एक्सरसाइज करने वक्त हम लोग का कैसा हालत हुआ था, और अब समझ सकते हो। तो चलिए अब रेस्ट करते हैं, फ्रेश व्रेश सब चीज़ हो लिए हैं, अब नहाने का कन्फर्म नहीं है, या तो आज नहीं तो कल नहाएंगे। बाकी अभी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट निकलेगा, और साथ ही साथ आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करने वाले, जो योगा करते थे वो आज नहीं करेंगे, आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। नेक्स्ट वीक से जब तक हम लोग रनिंग में परफेक्ट नहीं होते तब तक अभी योगा नहीं करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कब तक रनिंग में परफेक्ट होते हैं। नहाना करते हुए भी दोस्तों मम्मी की जिद की वजह से मुझे नहाना पड़ा। एग्जैक्टली आज मन नहीं था नहाने का, लेकिन फिर भी कहते हैं ना रनिंग मतलब कि नहाना तो पक्का है यार। चलो कोई नहीं, सही है, हर चीज़ आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी भी हो गया, और फ्रेशनेस भी बहुत ही ज़्यादा है नहाने के बाद। वैसे आज हेयर वॉश नहीं किया है, शैम्पू नहीं किया, बस नॉर्मली और साबुन वबुन से सही था। बाकी यार रनिंग की वजह से मसल और लूज़ हो रहा है यार, नॉर्मल पता नहीं चल रहा है। चलो कोई नहीं, और बाकी भाई का भी नहाना हो चुका है, तो देख सकते हो पड़े हुए हैं कब से तो इनका हालत आज आप देख ही लिए थे कैसा हो गया था, तो तबाह थे आज। लेकिन चलो कोई नहीं, फर्स्ट डे था तो रहता है। अब टाइम है ब्रेकफास्ट का, तो अभी थोड़ा टाइम है, बन रहा है, तो जैसे ही बनता है और देखते हैं कि आज हमारे मतलब रनिंग की वजह से कौन सी डाइटिंग मिल रही है। क्योंकि आज हमने रनिंग किया तो बहुत ज़्यादा मतलब डाइटिंग की ज़रूरत है, और उसमें फ़ैट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आज प्रोटीन फैट जो भी हो, कैलरीज जितनी भी हो वो सही रहेगी, तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ब्रेकफास्ट फाइनली रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो। तो आज ब्रेकफास्ट में ऑमलेट है, चना जो हम लोग हमेशा डेली बेसिस पे खाते ही खाते हैं, फिर अनार भी है, ये भी आजकल डेली बेसिस पे ही चल रहा है, कुछ दिन तक चलेगा, ग्रेप्स भी, और कैरेट यानी गाजर। तो ये आज मेरा ब्रेकफास्ट है, और ये रहा भाई का, तो सेम सेम है एग्जैक्टली। और डेली बेसिस पे जो हम लोग मिल्क शेक पीते हैं विद बनाना मिल्क शेक, तो ये रहा, और भाई को देख सकते हो तो मूवी में लगा हुआ है, और भूख भी उतना ही लगा। तो आज का जो डाइट है वो बहुत ही मतलब परफेक्ट है, क्योंकि आज के डाइट में क्या है ना कि सारे चीज़ का जो मतलब एग में आप सोच सकते हो कि प्रोटीन और फैट दोनों ही हाई में है, कैरेट में भी नॉर्मली मिल जाता है विटामिन बहुत सारे, ग्रेप्स भी, और अनार का तो आपको पता ही है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और चना में जो होता है प्रोटीन बहुत ही हाई मात्रा में, प्लस वेजिटेरियन भी है कुछ उसमें। तो मतलब देखा जाए ऑल एंड ओवर मतलब आज की डाइट कम से कम ना ना भी करते करते देखा जाए तो 20 ग्राम प्रोटीन, और 20 ग्राम नहीं 10 टू 15 ग्राम फैट, और कार्ब्स का थोड़ा नॉर्मली पता नहीं है, और बाकी मिल्क शेक भी है, तो आप समझ सकते हो टोटल मिला के अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और डाइटिंग के हिसाब से सही है। सो गाइस, अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और यार सच बता रहा हूँ रनिंग के बाद और ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट यार बैठे बैठे नींद आ गया था और सो गए थे, और अभी खाने का टाइम हो गया है, तो चलिए फ्रेश व्रेश होते हैं और फिर खाते हैं, देखते हैं आज खाने में क्या निकला है क्या नहीं। तो खाना हमारा निकल चुका था, आज खाने में आप लोग देख सकते हो, तो खाने में चावल है, दाल है, और सब्जी है भिंडी का, और साथ ही साथ ये आम है, आपको मैं दिखा दूँ कच्चा आम जो कि बड़ा सही रहता है, और प्याज, मूली, और साथ ही साथ चिकन पकौड़ा। Yes. तो आज का भी डाइट देखा जाए, खाना जो है मिला जुला के बहुत ही टेस्टी है, और साथ ही साथ ये मेरा प्लेट, और ये भाई का, और ये भाई का बकवास, और ये भाई दोनों शुरू हो गए थे, तो मे भी पता नहीं साउंड आया है कि नहीं। पिंडे पिंडे खाओ, सेहत बनाओ, पिंडे। गाइस मेरी मम्मी से ज्यादा टेस्टी भिंडी कोई नहीं बना सकता, आई बेट यू। ओके, बकवास तो इसका चलता रहता है। तो चलिए आज खाना में बहुत ही सही है, और रोज के मुताबिक जो ये सब डाइट है और ये सब बहुत ही बेस्ट है, तो क्या बोलना है? इफ यू वांट रेसिपी प्लीज कॉल मी, माय नंबर इज ऑन योर स्क्रीन, नंबर दे। नहीं मिलने वाला। बाकी यार देखा जाए तो आज के हिसाब से जो भी डाइट है बहुत ही बेस्ट है, और नॉर्मली हम लोग जितना रनिंग वनिंग स्टार्ट किए तो उसके हिसाब से सही, क्योंकि चावल में बहुत ही अच्छा खासा कार्ब्स ये सब मिल जाता है, और दाल में तो आपको पता है प्रोटीन की कमी नहीं होती है, कार्ब्स कार्ब्स, और भिंडी ये सब तो ग्रीन वेजिटेबल आपको पता ही बहुत ही बेस्ट है, और चिकन में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो मिला जुला के आज भी हमारा कैलरीज 1000 तो नहीं 500 तक पहुंच गया होगा, 500-600 तक, तो ये बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। और साथ ही साथ यार, और आज रनिंग करने की वजह से पाँव में इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद और नॉर्मली थोड़ा काम करने के बाद मैं डायरेक्ट सो गया था, प्रशांत का पाँव भारी हो गया अभी उठाऊँ
तो सोच सकते हो। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और फिर अपना बाकी जो भी यूट्यूब का काम करना है वो करते हैं। सो गाइज, खाना पीना हो चुका है और अब बारी है बाहर जाने की एग्जैक्टली। और किसी काम से जा रहे हैं और काम वो है कि आज हम लोग DSLR का दोबारा प्राइस पता करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन में लेना है और फ़ोन से पता किया तो बहुत महंगा बता रहा था, तो इसलिए दोबारा रिलायंस शॉप पर जा रहे हैं। तो ये रहा चाबी, तो चलिए पहुँचते हैं। स्कूटी मैं ही चलाने वाला हूँ तो आप लोग देख सकते हो। सो स्कूटी रेडी है तो चलिए आज चलते हैं। तो रिकॉर्डिंग बहुत कम मुश्किल से होगा, ऐसा चेंजेस है गाइस। तो आज स्कूटी मैं नहीं चला रहा क्योंकि रास्ता तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए भाई चला रहा है स्कूटी, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। हम लोग शॉप में आ चुके हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसा सीन कैसा नहीं है। तो भाई भी साथ में है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैमरा आपको, देख सकते हो ये रहा पूरा कैमरा का सेट और ये हमारा कैमरा। गाइस फाइनली हम लोग मतलब डिसाइड कर लिए, अब कंफ्यूज हैं तो देखते हैं कब तक ले आना है, लेकिन अभी तो हम लोग रास्ता भटके हुए हैं तो समझ नहीं आ रहा कि इधर क्या जाना है। तो कब से हम लोग इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, देखो रास्ता मिलता है कि नहीं, तो टाइम भी हो गया, चलो देखते हैं मिल जाए तो सही है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं और उतना मैं रिकॉर्डिंग बाहर नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत हड़बड़ी में गए थे और बहुत हड़बड़ी में घर पर आ गए थे। और बाकी यार बहुत ही मुश्किल से वो 1 पीस बचा हुआ है जो हम लोग पहले देख के आए थे, और भाई भी अभी कंफ्यूज है कि ले कि ना, क्योंकि लास्ट पीस में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। डिसाइड कुछ अभी अच्छे से हुआ नहीं है तो क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं है। और बाकी अभी आए हुए तो 2-3 दुकान में गए थे लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त रिकॉर्ड करना। और बाकी अब देखो क्या होता है, घर पर आए हुए तो अब सारा डिसीजन पता लगा कि लेना है नहीं लेना, अगर लेना हो तो आज लिया जाएगा, आज नहीं तो कल, और वरना तो सीधा नो चांस। तो चलो देखते हैं क्या होता है डिसीजन, अब फैमिली के ऊपर है तो फैमिली बताएगी कि डिसीजन है क्या। सो गाइज एक बहुत ही बड़ी सरप्राइजिंग गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं न्यूज़ है एग्जैक्टली, गिफ्ट तो हमारे लिए है, न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने जैसा देखा कि हम लोग DSLR देखने के लिए गए थे और लेने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ DSLR हमारा आ चुका है। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं था क्योंकि हम लोग अचानक ही प्लान बना बहुत ही स्पीड, मतलब 4 बजे तक पापा को जाना था तो रिकॉर्डिंग नहीं किया, हम लोग स्पीडली गए, स्पीड लेकर आ गए। तो आप लोग देख सकते हो पूरा भाई लगा हुआ है कैमरे में, तो बताओ भाई। तो अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, तो ये रहा पूरा। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने इसका अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना दिया है जो कि शाम को अपलोड होगा, तो ज़रूर से देखना, कैमरा का पूरा डिटेल हर चीज़ प्राइसिंग राइजिंग सब चीज़ बता रखा है। तो बहुत ही बेस्ट है यार, इन्जॉयबल भी है अभी, लेकिन सीखना है अभी, तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करेंगे इसे, इसे भी 1 वीक लगेगा, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट करेंगे। बाकी यार बहुत खुश हूँ तो मैं बता नहीं सकता, और बहुत ही स्पीडली हुआ यार, 5 दिन पहले डिसाइड किया था, 5 दिन बाद फिर से चेकिंग के लिए गया था और फिर डायरेक्ट कैमरा हमारे हाथ में। तो यही है भाई लोग। और एक चीज़ अनबॉक्सिंग वीडियो हम लोग बना चुके हैं जो कि अपलोड हुई शाम को, लेकिन हम लोग एक चीज़ नहीं बताया आप लोग को, वो क्या था कि हम लोग यार ये बताना चाहते, तो ये देखिए लेंस जो है, बहुत लोग कैमरा में कहते हैं कि कैमरा का प्राइस होता है कैमरा का, लेकिन एग्जैक्टली कैमरा का प्राइस नहीं होता है, मेन जो लेंसेज होती है उसकी प्राइसिंग होती है। तो यही है, बाकी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बहुत खुशी की बात है, और बाकी खुश तो सही है, लेकिन अभी हमारा हो गया 5:30 हो गया है, यानी कि 6 o'clock तक हमें यार नाश्ता वास्ता करना, उसके बाद एक्सरसाइज भी प्लानिंग करनी है। तो चलिए थोड़ा पैकिंग सैकिंग कर लेते हैं, इसको बहुत बिखरा हुआ है, तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ कैसे। तो आप लोग देख सकते हो पूरा चीज़ बिखरा हुआ है, तो इसको फटाफट हम लोग पैक करेंगे और फिर आज का नाश्ता देखेंगे क्या है, और फिर रेस्ट के बाद एक्सरसाइज अपना शुरू करेंगे। सो गाइस फाइनली 6:38 हो चुका है और हमारा मतलब शाम का नाश्ता भी रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यह है गाजर का हलवा, तो कि आज हम लोग थोड़ा इसमें मिल्क सब मिला हुए हैं, और चलिए खाते हैं। आज मिल्क शेक हम लोगों ने बनाया नहीं है क्योंकि आज कैमरा के खुशी में कब से पागल हुआ पड़ा है मेरा भाई, तो आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए पकड़ना, 1 सेकेंड आप देख। तो मैं आपको अपने भाई का एक बार ढांचा दिखा दूँ कब से पागल हुआ पड़ा है। तो ये आज एक दिन में पूरा कोर्स सीखने का कोशिश लगे पड़े हैं, कैमरा में ढुके पड़े हैं कब से, थोड़ा इधर भी देख ले, तो लगे पड़े हैं, तो लगे उन्हें लगे रहने दीजिए। और हम लोग फटाफट नाश्ता करते हैं क्योंकि 7 o'clock से हमें एक्सरसाइज अपना शुरू कर देना है। आज के कैंसल, तो ये रहा नाश्ता, क्या आज के कैंसल? ओ तो आज का एक्सरसाइज एक्चुअली कैंसल ऑफ है हमारा, अब एक्सरसाइज कल होगा, कल सुबह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। सो गाइस आज बिना एक्सरसाइज के आप देख सकते हो भाई को हुरने में लग चुका है, तो मजा नहीं आ रहा। हाँ इनको आज DSLR ही खाना है, नहीं मतलब कब से इनको DSLR बुआ रहे हैं, DSLR के चक्कर में ना तो पार्क गए और ना ही एक्सरसाइज आज किया, आप लोग देख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक बार खाना दिखा दूँ, तो खाने में आज आलू का पराठा है,
भिंडी की सब्जी और ऑमलेट है। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो डाइट आज का सही है, लेकिन बिना एक्सरसाइज कितना खाना हुर रहे हैं तो समझ सकते हो। तो कहें रे, भूख है या नहीं है? कब से DSLR में लगे हुए, भूख कहाँ से होगा इनको? तो मतलब मुझसे अधिक इनको बुखार चढ़ा हुआ है। सोच सकते हो मतलब कि बिल फटा मेरे नाम का, इन्जॉयमेंट कोई और कर रहा है। बाकी चलिए, मेरा भी खाने का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग भी खाना खाएंगे। तो खाना मेरा एग्जैक्टली निकल रहा है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। आज मेरा भी यही खाना है, आलू का पराठा और ऑमलेट और साथ में रोटी। तो आ गया ऑर्डर, तो आ रहे हैं। तो चलिए हम भी खाना खाते हैं। और आज तो आज हम लोगों ने कुछ किया नहीं, तो एग्जैक्टली अब यही है कि अब नाइट वॉक पे निकलेंगे। तो आज हम लोग DSLR साथ में लेके जाएंगे फोटोग्राफी के लिए। तो नॉर्मली करेंगे फोटोग्राफी, और इंस्टा ID पे आपको सारी अपलोडिंग मिल जाएगी। तो आपको चेकआउट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर जाइए और चेकआउट कीजिए कैसा फोटो आ रहा है। और बाकी अभी ट्राइपॉड का इंतजाम किया जा रहा है, इसलिए अभी रिकॉर्डिंग उससे नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ट्राइपॉड आ जाएगा तो उसके बाद रिकॉर्डिंग उसी से होगा, DSLR से होगा। तो अभी के लिए तो बस ऐसे ही करते हैं। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं, वरना मम्मी गुस्से में आ जाएंगी तो मेरे का बवाल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं हम लोग। सो गाइस, फाइनली हम लोग नाइट वॉक पे आ चुके हैं, और हमेशा की तरह भाई आज भी फ़ोन पे लगा हुआ है लाइक अ कॉलिंग बूथ। तो इसका रोज का रहता है, चलो कोई नहीं, हमारा तो हो गया है। बाकी यार आज भी गाड़ियां चल रही हैं, एग्जैक्टली बहुत कम चली, लेकिन धीरे धीरे मतलब अभी तो 10:11 हो रहा है, लेकिन 10:30 तक सारी गाड़ियां बंद हो जाती चलना, मतलब रास्ते में ही खाली हो जाता है रास्ता। बाकी अभी तो कुछ है नहीं, और आज एक्सरसाइज कुछ हुआ नहीं है, तो यार शरीर बहुत ही अजीब लग रहा है, फील भी अजीब है। तो कोई नहीं, कल से करेंगे। आज तो DSLR के चक्कर में कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ना बाहर पार्क गए ना कहीं गए, तो सारा प्लान आज कैंसिल ही कैंसिल हुआ। तो आज बहुत बोरिंग टाइम भी हुआ हमारे पास, लेकिन कुछ अच्छा हुआ कि हमारे पास DSLR आ गया। तो बाकी वीडियो लंबा ना हो तो सही भी था एक तरह से, कुछ नहीं हुआ तो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता। तो मिला जुला के सब चीज़ सही था। तो चलो कोई नहीं, बकवास करने से अच्छा है कि वीडियो एंड करते हैं हमेशा की तरह, जैसे मैं नाइट वॉक पे आजकल एंड करता हूं वीडियो। तो आज भी यहीं पे वीडियो एंड करेंगे, बाकी कल का प्लान जो भी होगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगिंग में, और बहुत जल्दी हम लोग DSLR से भी रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।